सलामकुम जी, सलामकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को। ईद मुबारक नहीं बोला, ईद मुबारक, बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक मुबारक मुबारक, हाँ वो भी मबरूक। कैसे हैं जी आप सब, ठीक ठाक? एक दफा फिर, हाँ काफी अरसे बाद, फिर से बात, सालों बाद जो हमने सोचा कि हम एक साथ बैठ के दोबारा आप लोगों को बोर करें। और मैं तुम्हें काटूंगी नहीं मानी, आज करें नया वो एक नहीं, क्योंकि लोग बकरे काट रहे हैं, गायें काट रहे हैं और बैले काट रही हैं। आजकल जो है वो इन ये है कि एक बैल ने जो छलांग लगा दी तीसरी मंजिल से, आजकल ये चीजें हैं। अच्छा। वो एक बैल जो ताजर होके पानी के अंदर गिर गई, तो मैं ये चीजें देख रहा था। तो अब जो है वो वायरल का जो है वो जो सोशल मीडिया का टाइम है, तो बैले भी जो है वो हिट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। आज जो है वो गोश्त ही गोश्त होगा, और मेरे ख्याल में तुमने क्या किया, तुम थोड़ा सा बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सुबह आसीने चढ़ाई और फिर पैकेट्स बनाए, और फिर माली ने कहा कि मेरे मम्मानी और खालाओं को तुमने कम गोश्त डाला है, तो हमारी काफी इस पे बहस। मेरी भी खाला को कम गोश्त तुमने थैली में बना के दिया जिसमें चर्बी ज्यादा थी। तो अमूमन घरों में सुबह के वक्त ये हो रहा होता है, एक दमाद के लिए रान अलग हो जाती है कि ये हमारे दमाद की है, उस पर चट लगती है। तो ये चीजें होती हैं, और हमारा कल्चर ये, हम इसी में एंजॉय करते हैं मानी। यही हमारी नानी और खालू और ये मोमानी जो है उनके घर में तो खुद कट रहा होता है, तो वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं गोश्त आए? बस ये तो पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान है, और ये होना चाहिए भी। जाहिर सी बात है, मोहब्बतें हैं, रिश्ते। आज हमने कोशिश की है कि ईद के शो में हम कोई भी ईद का सवाल नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि नॉर्मली जो ईद की टॉप 10 जो सवाल है वो ये है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। हाँ। अच्छा, आप ईद के दिन क्या करते हैं? अच्छा, सुबह उठ के क्या करते हैं? और आप खाना पका लेती हैं? सही ना। अब भाई मेहमान कितने बजे आते हैं? तो ये कुछ 12 सवाल है जो की हमने साइड पे किए हैं, और हम अब हम एक नए से एक नए सोच के साथ जो है इस ईद का शो करेंगे, क्योंकि हमने खुद को 12 शो निपटा दिए हैं इससे पहले, तो हमें पता है कि उन 12 शोज में क्या क्या हुआ था। हाँ। तो हम वो तेरे एज गेस्ट, एज गेस्ट। हाँ। तो इसलिए हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो उन जिसे हम चिढ़ रहे थे कि ये सवाल क्यों कर लिया। हाँ। सही। तो आज की जो गेस्ट लाइनअप है वो बड़े मजे की है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। आप प्लीज स्टार्ट करें। जब वो रीजन सही, आज हमारे साथ जी एक ऐसे हमारे जो कि मुस्तकिल मुझे टोकते रहे, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम ये काम छोड़ दो और पहले सीख लो। लेकिन मैंने ये काम सीखा नहीं, तो आज मैं इस तरह का हूँ, और इसीलिए आप लोग मुझे रोक रोक के बोलते हैं कि ये आप बोलते क्या हैं। और इसी वजह से ये रिपीट टेलीकास्ट स्टार्ट हुई थी। अर्शद महमूद साहब बैठे हैं, सर कैसे हैं, ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बिल्कुल याद है जिस प्रोग्राम का ये रेफरेंस दे रहे, वो भी बात सारी ऑन एयर ही हुई, आज भी होगी, आज भी होगी, आज भी आप सिखाएंगे मुझे। इतनी दफा इसने गलती गलती कहा है, तो मैं अब इससे गलती होती है जी। तो वो कहना तो जरूरी है। एक थिएटर प्ले हो रहा है, वो थिएटर प्ले जो है उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम ईद के प्रोग्राम्स का भी जिक्र करेंगे, ईद की बात भी करेंगे। साहब जो कि अर्शद साहब के बराबर में बैठे हुए हैं, वो नजरुल इस्लाम है, जिन्होंने मेरे साथ बहुत नजरुल हसन, एक तो यहाँ पे गलत भी नाम लिखा हुआ, सही अगर आपका पर्चा गलत आया तो आप क्या कर सकते हैं? गलत जवाब देते हैं, सही। नजर हसन साहब बैठे हुए, नजर आप वही हैं जिन्होंने हमारे साथ पहले स्टार्ट किया था जीरोज में, याद है आपको? नजर आप इस थिएटर प्ले का हिस्सा है जी, बिल्कुल सही। मुझे बता, आप बहुत कम बात करते हैं, सही है, मुझे बता दिया गया था, मैं जानता भी हूँ, सही है ना? हेरा हमारे सब आपकी दोस्त बैठी हुई, तो जरा उनके बारे में। मैं बिल्कुल, मेरी दोस्त क्या, हम सबकी बड़ी जान है और कमाल एक्ट्रेस है, इनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और इनकी जो आदात हैं, जो इनकी जो भरकात हैं, वो सेट पे भी हमें मुझे बहुत, मैं बहुत इंप्रेस हुई थी, और मैं वो चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करती हूँ बाय द वे, कि मैं काम रहने की कोशिश करती हूँ और मैं कम बात करने की कोशिश करती हूँ। और कमाल एक्ट्रेस हैं, और हर चीज़ है इनके अंदर, और जहाँ आती हैं छा जाती हैं। मेरी बड़ी फेवरेट हैं, आपकी भी होंगी। सनम सईद, कैसी हैं? आज हम आपसे पूछेंगे कि आप घर पे कितने बर्तन धोती हैं? मैं भी काम आप यहाँ तोड़ती हूँ, धोती हूँ, तोड़ती नहीं, देखा मानी। अभी तुम भी करती हो, ऐसी लोग कहते हैं। ओके जी, हमारे साथ कुछ सिंगर्स नहीं है हेरा जी, जो तुम्हारा शौक है, पैशन है, जो तुम कर नहीं पाई, लेकिन उन लड़कियों ने कर लिया, कर रही हो, कर रही हो बेसिकली। अच्छा जी, हमारे पास है बड़ी जबरदस्त सी सिंगर मौजूद है, निमरा रफीक हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, और यसाल जहरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, ठीक है। एक कपल भी बैठा हुआ, यतीम कपल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अरे यहाँ पे इसकी वजह क्या है आज के शो में, क्या गोश्त है? मेरा जी खुर्शैद जी, प्यार से पिंकी कहते हैं, पिंकी कहते हैं,
पिंकी कहते हैं, हमारी जिंदगी में अंधेरा करके पिंकी नाम रखा हुआ है। तुम्हारे को सही बता रहा हूँ, मैं खुदा के से शादी करके इतना वो अफसरदा नहीं हुआ होगा जो नाअहल हो गया है, जितना हम अफसरदा है। खुदा पहले बताओ, आपको मानी भाई मैं आपको बताऊं इससे मेरी शादी कैसे हुई, इसके बाप का कर्जा था मेरे बाप के ऊपर, ये उसने उतारा नहीं, सर से बोझ उतार दी खुदा के, मेरे को ये थमा दिया। तो कर्जा लेते क्यों हो, शर्म नहीं आती, कर्जा लो मूर्ख सवार, तो बाद में बोलते हो मुझे निकाला क्यों। अच्छा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी, मजेदार थी। शेफ फरदा और शेफ नमान के लिए बहुत सारी तालियां। कैसे हैं आप लोग, का बड़ा काम होता है ईद के दिन, आप लोग को पता है हमारा ईद के दिन खास है बकरा ईद के दिन हमारा बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि वही वाली बात है कि हर तरफ गोश्त ही गोश्त होता है और हम लोग गोश्त के साथ लगे हुए होते हैं, पहले लड़ रहे होते हैं, पैकेट्स बना रहे होते हैं, फिर खाने बना रहे होते हैं किचन में खड़े हुए। और मेरे पास ही बड़ा एक कंपटीशन होता है, मेरी तीन जो है वो भाभियाँ भी होती हैं, जिनमें आप लोग की वो सारी रेसिपी गूगल करी होती है कि मैं ही ज़्यादा अच्छा खाना पकाऊंगी, तो इस चक्कर में मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू। अच्छा इस शो में हम एक चीज मिस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम शोज के लिए ट्यून जो होते हैं वो बहुत सारे लोग सामने बैठे थे, हर बात पे ताली बजती है, तो हम उससे हालांकि बहुत भयंकर बात पे भी ताली बज जाती है। सर हम ये बताइए कि ईद पर आयशा हुसैन भी यहाँ मौजूद हैं, वो तो हम उनसे उनके उनकी तरफ तो हमने आना है, क्योंकि अच्छा। जब मैं वो प्ले की बात, आयशा कैसी हैं आप, ठीक ठाक, कम सवाल करना इग्नोर नहीं कर रहा सर, मैं पूरी जब प्ले की बात करूंगा तो मैं फिर टीसीएफ फाउंडेशन की तरफ भी जाऊंगा। बिल्कुल, और ये सपोर्ट है जी टीसीएफ फाउंडेशन की। आयशा हुसैन कैसी आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आपको भी किसी, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, आपको टीवी पे आना चाहिए, बहुत अच्छी है टीवी पे आना चाहिए। वो इनको ऑफर हुई होगी जरूर, मैं मान नहीं सकता कि ना हो। लेकिन ये जो प्ले था ये आप लोगों ने इनको ऑफर किया, ये प्ले लेके आपकी तरफ, ये क्या ये सिलसिला क्या था बताएं, ये जो हीर रांझा प्ले है जो कि हमें चाह रहे थे कि हमारे पास चूंकि पाकिस्तान के 70 साल कंप्लीट हुए हैं, हम चाह रहे थे कि हम ऐसी कोई चीज़ लेकर आए जिससे फंड हमारे स्कूल्स के लिए, और फिर ये मिल के कोलैबोरेशन हुई कि वी केम अप विद दिस आइडिया, और फिर जैन अहमद साहब ने हमें इस चीज़ में बहुत सपोर्ट की है, और हीर रांझा के उससे हमारा ये प्ले स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स सनम सईद इज़ देयर, तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इंशाल्लाह इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस, तो उसी के प्रमोशन के लिए वी आर हियर। सनम क्या क्या एक्सपीरियंस है हीर रांझे में, हमारा कोई करेक्टर हो तो हीर बैठी है रांझा, तो आपको लग रहा है ये हीर जरा पानी में बैठी बैठी फूल गई बकरा ईद का है ना, हर तरफ गोश्त तो हर तरफ गोश्त तो। हमारे मोहल्ले में इस उम्र की गाय आई थी, जो गोश लोगों ने यूं खींचा है तो वापसी ही आंख पे लग गई, ये बूढ़ी बूढ़ी स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल गाय। तो सनम ये इतने अरसे कहाँ से? मैं और कुछ कर नहीं रही थी, शुक्र है ब्रेक में नहीं थी टीवी से, तो जब टाइम होता है तो थिएटर की तरफ हमेशा जाती हूँ, तो आई थिंक 2 साल बाद टाइम मिला, दो साल बाद थिएटर को बड़ी जरूरत थी, क्योंकि फिर मैं फिल्म कर रही थी, 2 फिल्म सीरियल, तो उस पर टाइम चला गया। क्लैरिटी जो आपके जुमलों में वो थिएटर की वजह से क्लैरिटी है, मेरा तो बड़ा मजाक उड़ाया गया है घर पे कि मैं नाक से बोलती हूँ, हमारे उस्ताद भी म्यूजिक के नाक से गाना बंद कर दो, तो मैं पता नहीं किस तरह नाक से ना बात करूं, बट टीवी पे काम आया, कहते हैं आवाज सही है, टीवी पे तो बहुत अच्छी वो आवाज नहीं होती बेस वाली। अरे मानी एक्सपीरियंस में मेरा पहला फिराक प्ले था जो मैं सीरियस पहली दफा जो मैंने किया, तो मैंने सनम से सीखा है कि मैं बोलती थी क्या मतलब है तुम्हें शर्म नहीं, सनम ने कहा ना आ, 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 ऐसे बात करते हैं क्या मतलब है तुम्हें शर्म। अच्छा मैंने भी भाई आपको सीरियस एक्टिंग स्टार्ट की, और सबसे पहले मैंने क्या किया, क्या मैंने ये खरीदा मैंने एक्टिंग लाइसेंस ही लिए, मैंने क्योंकि सबसे पहले एक्टर की तसल्ली था, उसका मैंने ये उगाई, मैंने सुबह ये उगाई, और अब मेरे भी 2 सिलेंडर हैं। थैंक यू सर, ये टेक्निक है सर, आपको जमीन ही आपको नापा में जाना है और आपको वहां से आप सीखे बिल्कुल सही बात, ये भी कर सकते हैं। अर्शद महमूद साहब, ये थिएटर जो है वो आपने क्या किस तरह से आपको हुआ कि आपको ये करना चाहिए, तो क्या देखिए मैं इसमें बहुत ही वो, ये दो सनम है और नजर है, इन दोनों को ज्यादा इन डेप्थ पता है इस प्ले के बारे में, और ये बहुत अच्छा, मैं भी वैसे इसमें एक किरदार कर रहा हूँ, बट आई एम देयर एज एन नॉट एज ए डायरेक्टर, वो डायरेक्टर एक और जैन अहमद है जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और सनम कुछ बताए ना, इस पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी इस तरफ, टीवी की तरफ थे,
पहले वो करते थे सिटकॉम्स वगैरह। हाँ, लेकिन अब जब से वो नैपा पे आ गए वो बहुत खुश हैं, उनको लाहौर बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत खुश हैं इधर नैपा पे, बिकॉज ये थिएटर का अलग ही एक्सपीरियंस है। आई मीन वो हर साल कितने प्लेज होते हैं नैपा के? हर साल अब तो 8-9 तो होते हैं, 8-9 नए स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं लोग म्यूजिक सीखने, मूवमेंट सीखने, एक्टिंग सीखने। जिया मोहिउद्दीन साहब हैं, अरशद महमूद हैं, हजरत हुसैन साहब भी हैं, राहत काजमी, तो इन लेजेंड्स के साथ काम करना तो बड़ी फ़खर की बात है। और एक एवेन्यू है, एक आउटलेट है, फाइनली एक जगह है जहाँ पे लोगों के ये जो अरमान, जज्बात, एक्टिंग करने का जो सारा एक एवेन्यू है जहाँ से वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और थिएटर की कोई अलग ही बात है, मतलब मैं इसलिए भी थिएटर ज़्यादा करती हूँ ख़ास तौर पर नैपा के साथ, बिकॉज हमने जो टीवी और स्क्रीन एक्टिंग का जो डगड़ा खाया होता है ना, एक ऑटो पायलट पे हम लोग चलते हैं, तो एक रूटीन बन जाती है। लेकिन जब आप थिएटर की तरफ आते हैं आपको बिल्कुल ही स्ट्रिप डाउन कर देते हैं, आप कुछ नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता, आप शुरू से स्टार्ट करते हो जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, बट एक अलग अंदाज से आप चीजें सीखते हो, करते हो, और ऑन स्पॉट आपको रिस्पांस मिल रहा होता है, और आपने सारी स्क्रिप्ट याद करनी होती है। महमूद भाई जी, ये जो स्टेज का जो सीखा हुआ होता है वो किसी मीडियम में मार नहीं खाता है, ऐसा है? ये बिल्कुल सही सही बात है। क्यों खाता है मार? मैं तो तुम्हारे अब्बा से खाता हूँ, खुदा की तरफ। वो खबरदार जो अब्बा की तरफ पहुंचे तो तुम्हारे में पता है इसके अब्बा ने मेरे को जहेज में क्या दिया था? क्या दिया था? वो भी ये खा जाती है पूरी 8000 क्या 8000 लिपस्टिक वो भी खा जाती है। आपको पता है बर्गर औरतें जो होती है ना, अच्छी होती, पढ़ी लिखी। एल्फी, चलो एल्फी तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा, चिपक जा में, बहुत अच्छा है। सेल्फी कहते हैं। अच्छा, आज के शो में क्योंकि भी है साथ साथ, तो लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि बकरा ईद भी है मेरा। उससे पहले अर्शद सर आप ये बताएं, और आपको इसको रिलेट करना है इस बात को बकरा ईद से। अच्छा, मैं करता हूँ। वो इस तरह है कि इसमें थोड़ा सा और भी ज्यादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि नजर से सीखे, और सनम जो है ना सिर्फ अदाकारी कर रही है, गाना भी गा रही है। बकरीद की मैं रिलेट कर रहा हूँ कि बकरीद के प्रोग्राम में आने का मकसद ये था कि मैं आपको वो चीजें बताऊं कि आप फिर आए और हमारा ड्रामा देखें और सनम सईद का गाना सुने। यहाँ पे अगर सुना दिए तो ड्रामा कौन देखेगा? देखिए, हमारा मकसद ईद के शो पे ये आने का था कि आप, हम लोग ईद के बाद मुहर्रम से पहले ये एक खेल कर रहे हैं द सिटीजंस फाउंडेशन के लिए। वो लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं ये लोग, 1400 स्कूल्स हैं इनके, जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँचती, इनकी पहुँच वहाँ आ गई है। इनके स्कूल अगर आप देखें तो किसी दूसरे स्कूल से कम नहीं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो करिकुलम्स हैं, टीचर्स हैं। तो हमारे यहाँ जो भी है जिनको अपने बच्चों को कहीं पे स्कूल भेजना, हमेशा हम TCF भेजते हैं। ये साल कितने साल हो गए? 22 साल हो गए TCF को। किसी टीचर की जरूरत पड़े तो हमारी हाजिर है, बिल्कुल आप आए, आप पढ़ाए बच्चों को। मैं पढ़ाती हूँ ऐसा, ये पट्टी पढ़ाती हूँ मैं तो पट्टियाँ। अच्छा भाई, आपने कुर्बानी इसके बाद ये सितंबर के 18 तारीख को खत्म होगी। हम लोग लाहौर जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज इस्लामाबाद में सरकारी तकलीफ ये है कि उनको पासेस की आदत है, तो आपने पैसे देके, एक फंड रेजर का मतलब ये है कि आप पैसे देखें। ये जो सारी टिकट्स हम बेचेंगे इंशाल्लाह, उनकी जो वैल्यू है पूरे साल के लिए बच्चों को, ये 2 लाख जो बच्चे हैं या इससे अगर 1 लाख भी हो गए, बच्चों की तालीम फॉर 1 ईयर विल बी टेकन। जो पासेस लेते थे वो तो लंदन चले गए, जो पासेस जो ले रहे थे बिल्कुल लंदन चले गए, तो अब तो कोई नहीं बचा वहाँ पे। तो जिनको आना है वो लाहौर आ जाए या फैसलाबाद आ जाए। और नैपा का ये भी कमाल है, हम ज्यादा ग्रैंड सेट्स और इन शशकों में नहीं पढ़ते, बहुत बहुत रियलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक, लेकिन एक्टिंग और कनेक्शंस के और कैरेक्टर्स की इस पे बहुत ज्यादा। मैं एक बात बता दूं, एवी नजर साहब आपसे भी मैं पूछूंगा आपका क्या तजुर्बा था। मैंने इनको पढ़ाया जरूर है नजर साहब को, लेकिन
ये मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं, आप ये ना समझें, मैं इतना इससे खौफ ज्यादा हो गया हूँ कि इतना अच्छा कर रहा है क्यों सर? ये नजर से बच के रहना, ये कभी नहीं तुम्हें पता चलने देगा कि ये कब उठाएगा कब गिराएगा, तो तुम तैयार रहना। अच्छा, बिकॉज़ ये ऑन द डे कुछ और कर लेगा। अगर मैं इंसाफ करूं तो वो ये कहूंगा कि इसके साथ मैं जब ये अदाकारी और मैं वहां होता हूं साथ, तो मुझे लगता है कि ये मेरे से बहुत अच्छा है। वाओ, और जब एक स्टाफ को ऐसा लगे तो फिर तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इसने मेरी जो एक जिसको क्योंकि ज़ियाउद्दीन का शागिर्द है तो इन्फ्लेक्शन भी दुरुस्त किया है। अच्छा। ये हाँ हाँ, इसने कहा, ये आया मेरे कान में आके इसने कहा सर, अगर ये जुमला ऐसे कह दें तो फिर ठीक। सर मैं उधर बकरी की तरफ जाता हूँ, जिंदा होकर वापस इधर आ जाएगा। दुबले थोड़े मैं देखूं पक क्या रहा वहाँ पे, तुम लोग बातें करो तरफ। अच्छा, बकरी की तरफ चलें, फिर थोड़ी सी अमीत की बातें कर ही लेते हैं आखिरकार। तो सनम कैसी? ओके जी, यहाँ पे अच्छा, इधर भी बात करते रहेंगे, इधर से इधर बात करते रहेंगे। सनम क्या पका, क्या खाने का मूड हो रहा है भाई? ये जो आप इतनी दुबली पतली सी हैं, क्या डाइट है? हाँ सनम, ये वेट क्यों नहीं बढ़ रहा? और मेरे ही बढ़ते जा रहे हैं, सारी ये हीरोइनें ना मानी मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे भी लोग कहते हैं डाइट कर करके मर गई हूं मैं। माशाल्लाह, ये तो उस पे चढ़ी है ना वजन करने वाली मशीन पे, अंदर से पर्ची आ गई, एक एक करके आओगी। और ये जब चढ़ा मशीन पे उस पे तो जब पर्ची निकली है, इस पे कोई वजन तो रखो आराम से, दादल आराम से बात कर, दादल रखो दे चाचर दादल। चलो देखो क्या पका है भाई। कीमा है यहाँ पे, और कीमा है, और कीमे के साथ क्या होने वाला बताइए। मैं बना रही हूँ गलावटी कबाब, काफी कहलाते हैं। और सर हम जरूर पसंद करेंगे कि इतना मुश्किल नाम है, मुंह से निकले नहीं खाएंगे क्या? आपको अच्छा गिरेवलाटी कबाब? सर आपके कबाब है, कहाँ की रहने वाली? मैं हूँ आधी पंजाबी आधी मेमन। अच्छा, तो नया कॉम्बिनेशन, बहुत इस पे तालियां होनी चाहिए, कोई नया तालियां नहीं है मानी, सॉरी मैं बजा लेती हूं, हम बजा लेते हैं। मेमन क्या बात है, खुदा मैंने देखा मेमनों के घर में छुट्टियां लंबी लाइन लगा के जा रही। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, बोला भूखा रहने से अच्छा हिजरत कर जाओ। नमन आप क्या बना रहे हैं कीमे के साथ? मलाई कीमा। अच्छा, आप लोगों का कंपटीशन तो नहीं है आज? नहीं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। हम लोग दो शेफ्स मिलके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आए हैं, ताकि आपको दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिले। अच्छा, रोटी यानी कि जरूरी है आज, चावल वाला कोई गेम नहीं। आप कभी ऐसा नहीं होगी बनाया और किसी ने खा के बोला बहुत बुरा है? नहीं ऐसा लगा। शुगर मैं देखता हूँ, आप वगैरह कभी तो खाना जल जाता होगा, कभी तो कुछ होता होगा यार भाई। लेकिन टीवी पे तो नहीं बोल सकते ना आपने खाना जला दिया ज़ुबैदा आप। नहीं, वैसे भी हीरा अलग ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि खाना तब जलता है जब आप बिजी हो जाए किसी और काम में। आपने कभी कुकिंग की है वैसे? क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता हूँ, हर वो चीज अच्छी बना लेता हूँ जो के जरूरत के लिए। जब भी मेरी बेगम जो है कहीं जाती है बाहर, तो कुछ मुझे करना है। हमारा घर जो है वो वहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं होता, मतलब खाना वाना खुद ही। हमारे घर में तो कभी मुलाजिम नहीं होता, ईद के दिन तो भाग गए सब, सारे भाग गए हैं। तो फिर उस तरह आप कर लेता है बंदा। तो मैं जब वो नहीं होती तो मैं कुछ दाल दलिया कर लेता। और जैसे वो तो जाती ही हैं और आ जाती हैं वापस, तो मौके नहीं मिलता हमें कुछ पकाने का। कहाँ जाती हूँ मैं? मम्मी की तरफ जाती हूँ तो वापस जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा एक दिन रह के आया करो, इनसे सीखो, सीनियर से। काफी अरसे रह के आती हूँ आजकल। वो नहीं नहीं वो ये होता है कि साल में एक आध दफा, क्योंकि हम वो भी लाहौर से उनका ताल्लुक है, मेरा भी तो, और हम कोई 40 साल से कराची में है, तो वो जब जाती है तो जरा 10-15-20 दिन रिश्तेदारों में वो रह के आती है। अच्छा, मेमन जो होते हैं उनके यहाँ तो बकरे गाय और बैलें तो बंदी होती है बार, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है कराची में रहते हुए। तो आपके घर में कितनी गायें और 15 बैलें और बकरे कितने? नहीं, हमारे घर आपके रिश्तेदार मम्मी के खानदान में घर में वो इस तरह होता है। हमारे यहाँ पहले होता था, पर आई थिंक हम बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे कि पाल के, मतलब जो इसका मकसद है, लेकिन नहीं अब नहीं रखते। बचपन में कोई आप कहीं लेके घूमी हो? हाँ, घर पे मतलब कहीं और नहीं घुमाते थे, घर पे ही रखते थे। एक दफा मेरे भाई ने एक बकरी को वो गैराज में रख दिया था, जिसके पीछे वो एसी का एग्जॉस्ट था। उसको लगा कि, और तब सर्दियों में ईद पड़ती थी, तो उसको लगा कि बकरी को
ठंड लग रही है, जिंदा जिंदा रोस्ट हो गया होगा, जिंदा रोस्ट नहीं मतलब वो सफोकेशन से अल्लाह बेचारा, तो वो नहीं खा पाए, लेकिन ये हुआ था कि खुद ही अपने हाथों से वो बेचारा सब अपनी बीवियों की तारीफ कर रहे हैं, तू भी तारीफ कर रहा है ना, बस छोड़ मैं कुछ नहीं फिर मैं आपके अच्छा चलो हो गई। ये चीज ऐसी हुई है मेरे बकरों के किस्से सबके साथ। आयशा आप मैं कुछ ऐसा किस्सा बकरे से रिलेटेड जो आपने कभी बचपन में कुछ याद हो, आप मुझे वो लग रही है जो बकरे बीमार होते हैं ना तो उनको दवाई पिला देती हैं आप, पेट खराब है नहीं कुछ होता है ना, कोई अच्छे दिल के लोग होते हैं वो बकरों पे जुल्म होता नहीं देखने जाते तो उनकी वो केयर करते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा आपको? मेरे पास मेरा को तो कोई किस्सा नहीं है, मगर मेरे ससुराल के एक कोई गाय लेकर आई थी हमारी फूफी, और उनकी जो गाय थी जस्ट बिफोर कुर्बानी उस बेचारी को शायद हार्ट अटैक हुआ क्या हुआ एंड शी डाइड, शी और ही हूएवर इट वाज, तो दैट वाज काइंड ऑफ यू नो लाइक एक अजीब सा किस्सा हुआ था कि बगैर मेकअप के तो नहीं आ गई थी उसके साथ पता नहीं नहीं, और ये जो हमारे भी दूर के जानने वाले थे वो बहुत पूरे साल ना गाय के लिए पैसे जमा करते हैं और पूरे साल गोश्त भी खुद ही रखते हैं। अच्छा तो वो उनकी भी गाय के साथ यही हुआ था चांद रात को, संभाला था हम किस तरह बताएं लेकिन शो पे नहीं बताएं, ये तो आजकल शोज आ रहे हैं इसमें पता लग रहा है कि मरी हुई गाय भी जो होती है संभाल आती होती है, वो जो पप्पी को नहीं मालूम था भाई। तो अच्छा वो हम टॉप 10 सवालों की बात कर रहे थे कि वो कौन से सवाल थे जिनसे आप चिढ़ती हैं जो ईद के दिन होते हैं, आपने अपने भी उसमें आप लुकमा देंगी कोई उनसे आए होंगे ना, हम भी तो बैठे नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट ऑन वही थे कि आपने क्या किस तरह एंजॉय किया, क्या खाया, कितने रिश्तेदार मिलने आए, कितने बजे उठी आप, क्या पहना आपने, क्या क्या हुआ, हर साल वही सवाल हर साल वही जवाब। क्या वैसे क्या कर सकते हैं इसके नहीं जब के लिए क्या आशा साहब आप क्या 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 ऐसा कोई नया सवाल होना चाहिए कि ईद के लिए ये आप हाँ आप लोग तो एक्सपीरियंस लोग हैं जरा बताएं आप लोग ने किन किन की मत किस किस के साथ अपना गोश्त बांटा, किन किन इलाकों में जाके खुशियाँ बांटी, ये आपने किसी ने कुछ किया ये एहसास दिलाना चाहिए। आपको कहाँ कहाँ मोबाइल छीने हाँ, ये हम बात करेंगे लेकिन हम इस मौके पे लेते हैं कि अगर ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन सवालों की भी और उन प्लस हम खाने की तरफ भी जाएंगे और हमारे पास इतने प्यारे सिंगर्स हैं उनसे हम गाने भी सुनेंगे, तो कहीं मत जाएगा थोड़े दिन वापस आते हैं। ईद मुबारक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं जी ब्रेक के बाद वापस, कुछ रंग ईद के और बहुत सारे रंग हमारे शो पे यहाँ मौजूद हैं तो हम इन रंगों की बातें भी करेंगे साथ साथ ईद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ईद है एक मजे का इवेंट होता है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो अमूमन पूरे साल नहीं आते और स्पेशली आपके हाथ का पुलाव खाने के लिए आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है मानी, और क्योंकि आप इतने बिजी होते हैं यार, आपकी लाइफ इतनी बिजी है बच्चों में उनके स्कूल में उनकी चीजों में मियाँ के मसले फलाना ससुराल के मसले, तो ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप खुले दिल से लोगों से मिलते हैं। मैं मेरा मेरी टिप ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपने गरीब रिश्तेदारों के घरों में जरूर जाएं, तो उसकी वजह से अच्छा होता है, रिश्तेदार होते हैं उनके घर में मेन्यू बहुत वो कुछ नहीं वो सिर्फ बिस्किट रख देते हैं यार, बिस्किट और बहुत सस्ता सा बिरयानी और छोटी सी हलीम नहीं हलीम भी वो वहां से आते हैं रिश्तेदार की बात जी, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती माने आप वहीं पे जा रहे लेकिन ये कि आप जितना जितना आप अपने जाते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती है वो ज्यादा खुद हाथ से पका के जो चीजें होती है साहब क्या कहेंगे आप सही ना क्या हमारी ऑब्जर्वेशन सही है, फिर किसी बड़े घर की जगह आप किसी छोटे घर का इंतखाब करें, हमारे यहाँ छोटा ये भी पूरी नहीं आती रात बार होती है आप लोग कभी आए अपने हाथों का पुलाव खिलाऊंगे ठीक है जी, अपने हाथों से मांग मांग के लाती जी ऐसे साहब क्या कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं ये भी एक तरीका है की जी आप अब्दुल्ला शाह गाजी जाए और अपने लिए और हमारे लिए खाना ले आए, बिल्कुल सही है ये भी एक बात है, लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये आपकी बिल्कुल सही है की जो खुशियाँ बांटने के लिए खुशियाँ देखने के लिए जो लोग वाकई खुश होते हैं अंदर से वही लोग खुश होते हैं, थोड़े से गरीब हूँ एक शेर सुना सकता हूँ, वो ये है कि दाग का शेर है कि अच्छा हो तो क्या जाने करे क्या ये बुराई, अच्छा हो तो क्या जाने करे क्या ये बुराई, हम जान के दिल को कभी अच्छा नहीं रखते,
तो बहुत आसूदगी भी जो है वो आपका दिमाग खराब करती है। थोड़ी बहुत तकलीफ रहे तो आप की रियलिटी आप में। जी तो और यही चीज जो है ये आपको शायद आगे भी ले जाती है। पहले तो ये जो शोज होते थे इस तरह के, क्या नाम है जो वो, उसमें मुझे जो वो तौसीक हैदर और वो करते थे नूरुल हसन जो थे, और बड़ा उनको लेके चलना आता है इन शोज को। लेकिन जब ये प्राइवेट चैनल आया उसके बाद थल्ला गुल्ला शाइस्ता वाइदी और हमारी निदा पाशा और नादिया, तो उसके बाद कोई अलग मोड सेट हो गया टेलीविजन का और सब उसी के साथ ट्यून्ड हो गए हैं बेसिकली। यानी वो इम्प्रोव ज्यादा हो गया। उस वक्त तौसीक और नूरुल हसन को या मोइन अख्तर को या जितने वो जो पीटीवी अवार्ड या इस किस्म के शोज होते थे उसकी स्क्रिप्टिंग बाकायदा होती थी, उसमें क्या कि ये पहले से तय होता था, उनकी रिहर्सल भी होती थी। तो अब ये है कि वो आपको भी अभी पता चला था कुछ देर पहले, मुझे भी थोड़ी देर पहले, इन आपको कब पता चला कि आपको इस प्रोग्राम में आना है? मुझे बस कुछ घंटों पहले ही मालूम है, 24 घंटे से भी कम। ज्यादा बेहतर ये ज्यादा चाहिए कि आजकल लोग ज्यादा मतलब मेरी वाइफ को बहुत पहले से पता था, स्टूडियो के नीचे ही सोई हुई थी। चार घंटे तो मेकअप पे लगे तभी निकला। अच्छा नजर साहब, आप जो है माशाल्लाह से नामालूम अफराद में अब आप दिखाई देने वाले हैं जी, विलन आपने कैरेक्टर प्ले किया है। नहीं वैसे तो... रांझे का एक्सपीरियंस बताओ। हाँ उससे भी हाँ, चले। हीर रांझे का एक्सपीरियंस मुझे जैन साहब ने कहा था कि जनाब एक ऐसा ऐसा खेल हो रहा है जिसमें आपको मतलब हेल्प करनी पड़ेगी। मतलब कौन करवा रहा है? जब TCF का मैंने नाम सुना, मैंने बखुशी अपनी रजामंदी का इजहार किया उनके साथ, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनके टीम मेंबर्स भी रिहर्सल देखने आते रहे, तो ओवरऑल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपने पहली मरतबा काम तो आप दोनों का क्या इसमें आप दोनों का क्या ये बड़े करप्ट और खतरनाक काजी साहब बने? ओके ओके। तो ये वही राजा की कहानी तो सब जानते हैं। तो ये और उनको जो कैदू में ये विलन है जो हीर और रांझा को साथ नहीं होने देते, तो ही लड़ती है इनके साथ अपने चाचा और काजी के साथ, और ये झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और इन लोगों को अलग रखना चाहते हैं। ये है इनका किरदार। और ये अरशद साहब मेरे मासूम अब्बा बने जो हीर की साइड लेते हैं, जो दिखाते हैं कि प्यार, जब दो लोग प्यार करते हैं और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बाकी की जो हम लोग हजार जंग और हजारी की जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम हीर और रांझा वहां से हैं। तो सर ये अब्बा का रोल आप कर रहे हैं सर, ये बताएंगे बहुत अच्छा रोल है उस कहानी का। बड़ा नेक और सीधा और बहुत ही वो मोहब्बत और शफकत करने वाला बाप है। तो मैंने फौरन जब जू ही पता चला, मुझे जहन ने कहा कि अब अगर वही सबसे अच्छा। अच्छा अब्बा का रोल में आप वेरिएशन भी क्या दे सकते हैं बेसिकली? हाँ। मैं देखता हूँ टेलीविजन पे जो अब्बा का रोल कर रहे होते हैं और एक तरफ सज्जल रो रही होती है और वो सनम सईद की पे जुल्म हो रहा होता है और एक तरफ जो है एक अब्बा होता है। मैंने तो एक चीज मैं बता हाँ। वो है ही रोल इस तरह का कि जो जो हीर का दुख है वो पूरे उसमें नजर आए मेरे चेहरे पे भी। ओके यानी वो चल तो वो कर तो रहा है कि जी हाँ गांव वाले हैं वो भूत ये और जो ओवरऑल एक सिचुएशन एक वाहिद इंसान या शख्स हो जो पॉजिटिव है जो उन लोगों के साइड पे, क्योंकि बाकी तो सब लड़ रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तुम हजारे से हो, तुम जंग से हो, तो ये नहीं हो सकता, प्रॉब्लम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन तुम लोग साथ नहीं हो सकते बस बिकॉज हमें हमारी अना का मसला आ गया है। लेकिन अब्बा का जो रोल है वो इनका ये है कि उनका कोई अना कोई हिस्ट्री कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बस दो लोग हैं इनको करने दो शादी। पर अब्बास करते हैं सपोर्ट करते हैं, नॉट ऑलवेज नहीं करते, बट एक आवाज होनी चाहिए कभी वो खाला होती है माँ होती है। मेरे अब्बा ने सपोर्ट किया था कि मानी से शादी हो जानी चाहिए। सही है हाँ, बाकी सारे अगेंस्ट हैं लेकिन हेरा कर मैं ये बताऊं कि अब्बा ने भी बड़ी सपोर्ट की। बता 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 अब्बा ने ऐसी सपोर्ट की है मेरे को पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया, इसके मथे मारा खुदा। इस बाकायदा ये बताओ ना मेहंदी मेहंदी का बताओ, मेहंदी में मेहंदी में तो इसकी शेप निकल आई थी बड़ी मुश्किलों से थ्रेडिंग कराई रस्सियों से। अपना नहीं बताया मुझे तो मेहंदी लगती है तेरे ग्रीसिंग हुई थी। ग्रीसिंग किसकी हुई थी? तेरी। झूठ झूठ नहीं बोलो खुदा। सर आपने स्टैंड अप किया हुआ तो वो 12 साल पहले सनम तो ये कैसा, अब क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ तो इनके अंदर का जो ह्यूमर है ना वो सेट पे भी बाहर आता रहता है। असल में जेरी साइनफील्ड टाइप का आपका भी ह्यूमर है, उन लोगों को देखते देखते आप बड़ी में बेसिकली हाँ। सारे के सारे जो वो है ऐसे ऐसे सैटरडे नाइट वगैरह हाँ, तो वो एक शो होता था जो आप लोग करते ब्लैकफिश के साथ, सही? तो वहाँ से आप सामने आएंगे
वहाँ से, हाँ वहाँ और बीजिंग से। बीजिंग से सही। तो अच्छा क्या लगा सर, बीजिंग लगी, थिएटर लगा? नहीं, मुझे कैमरा से डर है, मुझे कैमरा से खौफ होती थोड़ी। मुझे स्टेज पे और लाइव चीजें ज्यादा पसंद है, उसकी एनर्जी एक अलग होती है, तो मुझे वो उसमें मजा आता है। ये बात है, वैसे तुम्हें भी करना चाहिए, क्या ख्याल है यार? थिएटर, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर मैं थिएटर। इससे अगर इंतजाम नहीं आपका कि बच्चे को संभाल ले और हम लोग भी आ जाएं? नहीं, वो कर सकते हैं ये, बिल्कुल ये तो हो सकता है। बच्चे मेरी बीवी संभाल लेगी, ऐसे संभालती है, इसने मेरे को संभाला हुआ है। मेरे माशाल्लाह से 24 बच्चे हैं, पड़ोस के भी आ जाते हैं। पड़ोस के भी मेरी भी तारीफ किया कर कभी तू। आपकी तारीफ मैं आपके बारे में एक गाना गा सकता हूँ। जी गाएंगे। वहाँ के गटर है आप और होट है पहाड़। बहुत मुश्किल में आप तो वाकई, आके जब गटर होट पहाड़ होते इंसान क्या सुनेगा। बहुत गहराई की शायरी, काफी गहराई, बहुत ज्यादा गहराई है। तो सर ये बताएं क्या कि आप क्योंकि उनसे तो पूछ लिया बकरा ईद का, तो आपसे भी पूछना है कि आप लोग क्या किस तरह से, क्योंकि बकरा ईद को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी वो एक तरह फैमिली का ही होता है ज्यादा आपस में। खाना खाना कोई, हां कोई वो इस सब के जिम्मे वो होता है। कसाई लाने का होता है, एक जिम्मे वो छुरियों का इंतजाम करना और वाला, तो ये सब वो खुद काटते हैं गाय। जी जी, गाय नहीं बकरा, बकरा बकरा। जी किशन की तरफ चलते हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। सर क्या हो रहा है वहाँ से, जरा वहीं से बताइए जी। ये मलाई कीमा जो है वो तैयार हो रहा है और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना, ताकि आप लोगों को टाइम पर डाल के आप चावल भी डाल। सब लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, मैं चाहता हूँ यहाँ से जो भी जाए पहले कुछ चक के जाए। क्या सर इस तरह खुशबू आ रही है तो दिल चाहता है। तो आयशा आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस थिएटर से, आपने सारा ऑब्वियस किया, आप इसको सपोर्ट कर रही हैं? एक्चुअली हम लोग चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान का एक तो हर फर्द ये जाने कि सिटीजन फाउंडेशन क्या काम कर रहा है। एग्जैक्टली, तो जब लोग जब ये थिएटर देखने जाएंगे, प्ले देखने जाएंगे, तो उसमें ये होगा कि उनको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से प्ले भी देखेंगे, ऑब्वियसली उससे तो महसूस होंगे ही, मगर उनको ये अंदाज़ा होगा कि हमारे साथ तआवुन किस तरह करना है, हौसला अफजाई हमारी हो सकती है। और ये कि जब ये टिकट खरीदेंगे तो प्ले तो ज़ाहिर है डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे, मगर उसके ये सुकून मिलेगा, ये एक खुशी मिलेगी कि उन्होंने दो बच्चों की महीने की, एक महीने की फीस दी है पर टिकट। तो इसलिए वी आर काउंटिंग ऑन इट। तो प्ले में बहुत जबरदस्त चीजें, इसमें लड़ाई भी है, प्यार भी है, डांस भी है, गाने भी हैं, तो एक बहुत मजे का एक कह सकते हैं कि आप शदीद एंटरटेन होंगे जब उस प्ले को देखेंगे। मानी भाई हमारे को भी तो एंटरटेन करो, या करीब से क्या शो देखने आएंगे? एक्चुअली वो सीन ये हुआ है कि वो गाने भी हैं, गाने भी हैं, लेकिन क्या नाम है, हम चाह रहे हैं क्या नाम है कि गाने जो है वो हम एक साथ ही रिकॉर्ड करें। समझा, करीब से शो देखने हैं। नहीं, वो है वो इंतजाम है। वो जो दूसरी बाजी है, बाजी आप बताइए आपने क्या बना लिया? मैंने तो बेवकूफ बना लिया। नहीं नहीं, वो पीछे आप आप बताएं क्या बनाया आपने? मैंने गिलावटी कबाब बनाए हैं, रेसिपी में बता दूं, मैं चॉप कर रही थी उसको। गिलावटी कबाब में देगची जलती है क्या थोड़ी सी? नहीं नहीं। अच्छा क्यों, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरा चूल्हा बंद है क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना है। रेसिपी बता दूं मैं फटाफट? जल्दी, हाँ जल्दी से बता दे। रेसिपी गिलावटी कबाब की बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको चाहिए कीमा, आधा किलो बीफ का या मटन का ले लीजिए, मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। उसके बाद उसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी यहाँ पे वो डाली है, उसमें अराउंड 1 प्याज ले लीजिए आप, वो डालिए। उसमें घी जाएगा उसमें 2 टेबलस्पून, और हमने कबाब का मसाला बनाया है, गिलावटी कबाब का जो अलग से मसाला बनता है, उसमें 3 से 4 अदद इलायची है, काली मिर्च है, 5 से 6 लौंगे हैं, 4 से 7, और बादाम 6 से 7। इन सबको आप ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, इसको पीस लीजिए, और जो कीमा आपने उसमें सब में मिक्स किया है उसको मैरिनेट किया है हमने सारे मसाले डाल के, उसमें आप मिक्स कर लीजिए, 2 टेबलस्पून दही डालिए उसमें, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप फ्राई कर लीजिए। फ्लेवर, लाइफ नीड्स फ्लेवर। कोई चीज ऐसा डिश, कोई ऐसी डिश जो आप बना लेती है इजीली? हाँ, जो आपके घर वालों को
बना लेती हूँ। सब्जियाँ कौन सी सब्जी? आलू की, भिंडी। अच्छा, आलू की भिंडी की सब्जी की, आलू की भिंडी की सब्जी की, फटाफट आलू या भिंडी या तुरई। अच्छा, इसी तरह इसी तरह रेसिपी बताएं जरा। बस आप एक प्याज को भूनने, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे, सब्जी काट दे, बन गई। मसाले नहीं इसमें? नहीं, हमारे घर में बिल्कुल प्याज, प्याज की जो फ्लेवर आती है सब्जियों में, हल्का सा हल्दी, हल्का सा लाल मिर्च, नमक, बस है ना? तो नुमान ने स्पेशली बताऊं, आपकी फैन है बहुत बड़ी ये, और उन्होंने स्पेशली आपके लिए कुछ बना रहे हैं। नुमान, ये जो है सनम सिंह की भी है? हाँ, ये बिल्कुल लो डाइट कीमा है बीफ का, लेकिन वो बकरीद पे थोड़ा चीट डे चलता है। अगर आप चीट डे मलाई के साथ तो बिल्कुल ही लो डाइट है। मलाई कीमा बनाया तो क्रीम है उसमें ऑफ कोर्स। एक्चुअली हमारे जो मरहूम अब्बा थे वो भी गोश्त बड़े शौक से लेते थे, और बड़े शौक से गोश्त को रखते थे, और फिर शोरबा खाते थे, और कहते थे ये गोश्त नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाते थे। हां, वो आप भी उस तरह की तकरीबन वही वही हालत है। वो जो बकरी वाला किससे के बाद, बकरी वाले किस्से के बाद से आपने गोश्त खाना छोड़ दिया? ऑलमोस्ट उन्होंने तो जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से गोश्त खाना छोड़ दिया था। तो बेसिकली उनके हर एक के अपने अपने मसले हैं। ये आप सही कह रहे हैं, मेरे भी मरहूम शौहर जो थे। हां, ये है क्या हो गया इंसान की बच्ची वजह भी तेरे आप मरहूम ही तो हो रहे हैं। हां, मरहूम। तो सबके घरों की कोई कोई स्पेशलिटीज होती है, कोई कोई डिश के, या बकरी पे तो ऐसे सब आपके घर की स्पेशलिटी है? एक तो ये कि मेरी जो बेगम है वो पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। ओके, गुड। लेकिन ये कि वो फिर शाम को ही होता है, वो दिन हाँ वो नहीं नहीं वो गोश्त जब तक बनता है तो वो हाँ शाम में मिलता है, तो इसलिए वो बहुत जबरदस्त है। तो आप लोग एक वैसे कह रहे हैं आजकल तो गोश्त वैसे भी मिल रहा है, मैं तो पहले डिपेंडेंट नहीं होता उस गोश्त पे, मैं वो गोश्त जो है पहले से ले आता हूँ ताकि वो पुलाव बन जाए दोपहर को। अच्छा, सही है। वो नहीं, मानी को तो बस आके अब जो है फौरन से कर देती है। नहीं नहीं, वो जल्दी बन जाती है, और वो भी मेरी बेगम बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ही जबरदस्त। कलेजी वाले आप लोग भी? कलेजी जो सुबह कोई ना कोई भाई रिश्तेदार बिल्कुल कोई तो होगा ना जो गोश्तखोर होगा, खाते हैं। हमारी बीवी चपली कबाब बनाती है और कहती है चप्पल पहन के खाओ, शाम आती कहती है शाम को खाओ, सुबह को हाथ नहीं लगाने देती। अच्छी बात, पेट खराब होता है। तो आयशा, चले अपार्ट इन सब को छोड़ के, वैसे घर में आप जो है कुकिंग का क्या सिलसिला है? सिलसिला ये है कि कुकिंग मैं ही करती हूँ घर में, और हमारे मियाँ साहब को हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अरे वाह, तो बहुत शौक से करती हूँ। लेकिन टीसी फाउंडेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या स्पेशल होता है वाले दिन? हाँ, वैसे क्या होता है, क्या उस दिन क्या क्या चीज होती है? ईद के प्रोग्राम स्कूल में मुनक्कद किए जाते हैं, और प्लस हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी ईद स्पेशल बनाए, जिस तरह के अभी ये आप लोगों का प्रोग्राम, ये जो ड्रामा आ रहा है, और उसके अंदर मैं अलबत्ता एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि ये जो टिकट्स हैं ये अवेलेबल होंगे इस प्रोग्राम के आगाज़ सुपरमार्केट में, नीकोज बुखारी पे जो नीकोज कैफ़े है, और नीकोज डॉलमन मॉल में क्लिफ्टन पे। तो इसका ज़रा ख्याल, ईद सैक्रिफाइस की है तो आप भी जरा थोड़ा सा अपना टाइम सैक्रिफाइस करें। ये भी आर्ट्स काउंसिल पे, और ये आर्ट्स काउंसिल पे है जो कि 7 तारीख से 11 तारीख तक होगा, और फिर उसके कराची में, और फिर उसके बाद फिर लाहौर में 13 से 14 को होगा। ये 16 से 17 और ये नुसरत खान, नुसरत अली खान अकेडमी में होगा, और ये ऑडिटोरियम है बड़ा अच्छा मोटिव है इनका, क्योंकि अभी यूनुस खान को मैं देखता हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और बड़ा कर रहे हैं वो भी आपके साथ, बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं वो भी बड़े लगे हुए आप लोगों के साथ आजकल, और बल्ला भी जो था, जो बल्ला जो है वो 10,000 रन स्कोर करने के बाद हमें जो है डोनेट कर दिया था, और जो की हमने उसको फिर ऑक्शन पे रखा था, क्योंकि जो पेंसिल वाला चेक था अभी तक नहीं मिला मुझे लगता है। लोग वैसे ऐसा करते भी नहीं है। मैंने वो मुझे याद है, वो मैंने अजहर अली दोस्त जो अभी जीत के आए थे, तो वो चेक मिला नहीं था इनको भी ना, तो मैंने अजहर को बोला, और बाकी एक दो लड़के और भी थे, मैंने कहा बात सुनो जैसे मिले डाल देना, उससे फैसला नहीं आया था प्राइम मिनिस्टर वाला, और उसके एक दो दिन बाद आना था, और उससे एक दिन पहले ये एक तकलीफ हो रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वो चेक जैसे ही अनाउंस हुआ और मैंने इनको बोला कि चेक मिल गया, उसी दिन वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मैंने अभी डाल दे जाके अभी डाल दे बाउंस ना हो जाए जाके, तो ये उसका मैं हमें अभी वो उसका मिल गया चेक इतना बोलने के बाद। आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर मिल गया होगा, वरना खबर तो ये ऐसे कौन पहुंच जाती है। नहीं, ये एक बहुत नेक काम है, और मैं कहती हूँ कि जो लोग होते हैं जो स्टार्ट वो
किसी स्पेशल चीज़ों के लिए बने होते हैं और सनम उसमें से एक हैं, तो सनम मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने इन बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए एफर्ट किए अपना टाइम, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं। अर्शद साहब मैं आपको भी बहुत चीज़ में नहीं, मैं ये TCF वाले वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए काम करते हुए कभी भी मेरे ख्याल में पूरे इनकी एक रेपुटेशन इस तरह की या गुडविल ऐसी बन चुकी है TCF की कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी फनकार ये जब बुलाते हैं तो वो ये कहे कि नहीं मैं तो कुछ और करूँगा या वो बड़े शौक से सब। मैं वही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा इनकम और बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। मैंने क्योंकि इनके टीचर्स जो उसकी ट्रेनिंग का भी एक उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन जो है ये देते हैं। मैं जैसे मानी बातें करता हूँ इसके स्टाइल की बात ये कह रहे अगर हमारे मुल्क की तालीम जो है जो ठेका है वो TCF को दे दे, खुदा की कसम सब कुछ ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैं वही अभी मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन 14 अगस्त के दिन छुट्टी थी तो मैं हाँ हमारे पास तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था तो ये होना चाहिए, ये मैं इस पे बहुत इस हक में हूँ। मुझे आज तक जो है वो तुम 14 अगस्त में क्यों ऐसे कपड़े पहनती हो या क्यों तुम्हें व्हाइट शलवार ग्रीन दुपट्टा, मैं बोलती हूँ शायद मैं किसी लोकल स्कूल से पढ़ी हुई थी और वहाँ पे इस चीज को बहुत तरजीह दी जाती थी। ठीक है मैं किसी बड़े स्कूल की नहीं हूँ लेकिन मुझे मेरे गोल्स और मुझे मेरी जो क्या कहते हैं उसको आप बताएं जरा जो लेकिन मुझे टैबलो था ना उसको खत्म कर देना चाहिए, ऑब्सोलीट हो गया टैबलो जो होता था। खाल किसको देनी है अगर वो छीनने के लिए आए पर्ची दे तो आप मैं ये सब प्ले होना चाहिए क्योंकि आपसे कभी खाल वाले आए कभी आपके घर जब आप लोग कभी आए होंगे शायद हमें नहीं खाल लेने के लिए अब आए ना खाल लेने के लिए आप ओलरेडी देखे तो उससे पत्थर ना मारे जान हम लोग भी इसी ट्रेन में बैठे आप लोग क्या करते हैं खाल किसको देते हैं आप खाल हम लोग खाल कैसे देते हैं अल्लाह भैया के नाम पे देते हैं आपस में एक दूसरे को दे देते हैं तौलिया बनाते हैं चादर बनाते हैं खाल खाल जो है नहीं ये बड़ी कारीगर जिंदा गाय की खाल उतार के ब्लॉक में खड़ी कर दी गाय मैं तो मुंह से घड़े उठा लेती हूँ माशाल्लाह। ये हम बात करेंगे लेकिन हम इस मौके पे लेते हैं कि अगर ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन सवालों की भी और उन जवाबों की, हम खाने की तरफ भी जाएंगे और हमारे पास इतने प्यारे सिंगर्स हैं उनसे हम गाने भी सुनेंगे तो कहीं मत जाएगा, थोड़े दिन वापस आते हैं। ईद मुबारक। रंग ईद के और बहुत सारे रंग हमारे शो पे यहाँ मौजूद हैं। बहुत मजा आया इनसे बात करने में और बहुत अच्छा वक्त गुजरा पता भी नहीं लगा, लेकिन ये कि मैं जाते जाते जो है मैं सर जो है वो ईद की हवाले से या कोई भी ऐसी चीज जो आप कहना चाहें ऐसा मैसेज देना जो कि इससे पहले कभी नहीं आया हो दिया हो क्योंकि जो मैसेज इससे पहले उस पर किसी ने अमल नहीं किया आज तक तो आपका मैसेज सुन के कोई क्यों अमल लेकिन लेकिन आप पे क्योंकि आपकी मैं हर शो पे एक ही मैसेज दूंगी कि आप गंदगी ना फैलाएं, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं और ये जो लोग शीशा नीचे करके ऐसे टिश्यू का डब्बा या अपनी पानी की बोतल या कुछ फेंक देते हैं सोच समझ के फेंकें, प्लास्टिक की थैली पान की पीक वो तो दूर की बात है वो तो ठीक है धुल जाएगा लेकिन प्लास्टिक और ये जो दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होती हैं इससे पोल्यूशन बहुत कचरा, ये आपका घर है आप अपने घर के अंदर इस तरह नहीं करते तो बाहर आप रोडों पे क्यों करते हैं, खास तौर पे बकरा ईद के टाइम पे आप अपनी कुर्बानी के ठीक से इंतजाम करें, ओझड़ियाँ खाना कचरा जो भी। और मेरी अम्मी हमेशा जब आप हमारे यहाँ ये कि हवा क्योंकि चलती है झाड़ियाँ बहुत हैं तो प्लास्टिक की थैलियां जो है वो जाके चिपक जाती हैं झाड़ियों से फेज वन में, मोटरसाइकिल लोग जो चला रहे होते हैं वो अक्सर प्लास्टिक की थैलियां उनके पाँव में या पहियों में हमारी गाड़ियों के नीचे फंस जाते हैं, दिस इज वेरी हैजरस एंड डेंजरस। तो जब आप एक प्लास्टिक की थैली
फेंक रहे होंगे उसमें बस एक गीठा बांध दे, अगर मुझे एक प्लास्टिक की थैली मिल जाती है आपको दिखा देती। प्लास्टिक की थैली है वहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट एक छोटी सी टिप है, जब भी आप एक प्लास्टिक की थैली फेंक रहे हैं ना फेंके उसमें हवा बहुत आसानी से उसको उड़ा के ले जाती है वो इधर उधर, आप उसमें गीठा बांधोगे तो वो जमीन पे ही रहेगी एंड इंशाल्लाह जब कचरा साफ हो जाएगा तो उसी में चला जाएगा, इधर उधर उड़ेगा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देगी। ये एक छोटी बात है, गंदगी ना फैलाएं, सफाई रखें, ख्याल रखें अपने मुल्क का, अपने घर का, अपने इलाकों का, अपने नेबरहुड का। आप अपने घर से स्टार्ट करोगे, अपनी गली से बस भी फॉलो करेंगे और इस तरह आप। और सनम आप आपको सीरियल्स में बहुत मिस भी कर रहे हैं तो एक्टिंग दोबारा शुरू करें और ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो मुझे हिला के रखते तो मैं कर लूंगी। तो बस फौरन बीवी औरत पे बहुत जुल्म हो रहा है और एक मर्द है जो कि कमीना है। स्क्रिप्ट करें जहाँ पे मर्द को अच्छा दिखाएं, वेरी गुड वेरी गुड आई लाइक, जहाँ पे कभी किसी लड़के की स्ट्रगल दिखाएं कि वो लड़का किस तरह घर चलाता है। बहुत से लड़कों ने जो पुराने एक्ट्रेस थे उन्होंने एक्टिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको लगा भाई हमारा रोल तो बिल्कुल खवातीनों की है। और ये तो बड़ी लंबी बहस है और बात है लेकिन मैं आऊंगी वापस टीवी पे बस तो बस ये आजकल जरा थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है आजकल ब्रेक लिया ठीक है जी। अर्श साहब क्या अर्श साहब अर्श साहब हैं हमारे साथ वो कह रहे हैं अर्श साहब बोलते हैं मतलब शो बिल्कुल हम दोनों पे आ जाएगा तुम्हारे दोनों पे ही है सर हम तो आप एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग तो लुकमा दे रहे हैं नहीं नहीं तो हमें बेचारे तो मैं मेरा भी बॉस बड़ा तो सर वो भी कुछ आपसे पूछना चाहते कुछ पूछना चाहते हैं अर्शद साहब से। अर्शद साहब को तो मैंने बड़े देखा खुदा के गाने पुराने वक्तों में गिटार लेके ये गाना भी गाते रहे बहुत अच्छा मैंने तो 50-50 के जमाने में भी इनको देखा है उसके अलावा सीरियल में देखा बेहतरीन हमारा फखर है हमारे मुल्क की शान है अर्शद भाई कोई गाना गुनगुना दे आपकी उम्र तो ऐसी है मैं क्या आपको गाना सुना अगर मैं मुझे हालांकि मेरा शोभा म्यूजिक ही है लेकिन अगर मुझे गाना अच्छा आता तो मैं नयरा से या मैं टीना से क्यों गवाता किसी और से मैं खुद क्यों ना गाता तो मैं तर्ज अच्छी बना लेता हूँ मेरे ख्याल में और गाना जो है वो आप ये ड्रामा देखें एक नेपा से पढ़े हुए यंग कंपोजर नाइजल का बनाया हुआ म्यूजिक सुने और सनम सईद को ये मेरा मैसेज है ओ वाओ कि और सनम सईद को ये लाइव प्ले में कैसे गाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज इसका नहीं है आप आमतौर पर पीछे सीडी लगा के साथ लिप सिंक हो जाते हैं तो आप जो जो सुबह के शोज होते हैं उसमें जो एंकर होते हैं खासतौर मेल एंकर होते हैं उनको बड़ा शौक होता है उनको लगता है उनकी आवाज बहुत अच्छी है और वो गाते हैं दो तीन है ऐसे मैं भी था मैंने छोड़ दिया काम इसमें मैं भी था आपके जो पैसे हैं जो अगर आपके बाहर शो कॉर्पोरेट शोज करने जा रहे हैं आपको लगता है कि आते फसल में इतने सारे पैसे कमा लेता है तो उसके कुछ 20% आपको भी मिल जाए मेरी बात सुने हमारे मुल्क में जितने पॉप स्टार सिंगर है वो हॉस्पिटल बना रहे हो जितने अच्छे गाने वाले उसमें दाखिल है जो सीने से गाता है गले से गाता है वो होता गाना और जो नाक से गा रहा है 17 लाख ले रहा है जो सीने से गा रहा है वो 1700 इंसाफ है क्या सही सही बात सही है हमने आज निमरा रफीक और यसाल जहरा को बुलाया है आई एम ऑसम आई एम ऑसम वाओ एंड यू आर ऑसम वेलकम बैक हम आ चुके हैं जी ब्रेक के बाद वापस कुछ रंग ईद के और बहुत सारे रंग हमारे शो पे यहाँ मौजूद हैं क्या अपना क्या कहानी सुनाने आए हैं बेसिकली क्या हुआ आप लोगों के साथ बताने आए हो कि ईद कैसे मनाते हैं देखो इनको सीखो कुछ ऐसे बीवी से इस तरह प्यार करते हैं किसने अपनी बीवियों की तारीफ तो करते हैं सर कोई नहीं करता आप कितनी अच्छी है बीवियों की तारीफ ऐसी तीन और मैं यह तारीफ करूँ यार तुम्हारे को बोला है 10 दफा की अब मोटर चल रही है कोई आवाज आती है तो जब बेगम नाराज है जब बेगम नाराज है तो अर्शद साहब क्या आप ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं कि बेगम जो है वो आपकी नाराज ही रहती कौन पहल करता है क्या नहीं कि जो शायर हो या सिंगर हो या म्यूजिशियन हो उनकी बेगम को भी उनकी उस तरह से कदर हो मेरा भी ख्याल ऐसा होता होगा ये बात आपकी सही है और ये होना भी
करे आप होंगे भाई आर्टिस्ट हाँ, तो किस तरह वो आपको भाई मेहमान आमतौर पे तो झगड़ा होता करें आप करें अच्छा जब होता है पहले की औरतें सही थी मैं नहीं कभी उनसे नाराज हूँ मेरे से ज्यादा नाराज होती और मैं फिर खामोश हो जाता हूँ अच्छा आप खामोश हो जाते तो वो फिर पहले के लोग आप क्यों खामोश नहीं होते यार मुझे लगता है कि यार अपनी बात कहनी चाहिए मैं नहीं चाहता मुझे कोई बीमारी हो बड़ी अंदर ही अंदर मैं कोड़ रहा हूँ फिर ऐसा लगा यार ये रिपोर्ट है बीमारी मैं नहीं कहती दिल में जो भी हो ठुड्डे घुसे जूते लाते सब अच्छा एक तो ये कि आप मतलब आपने दिल में कोई बात रख ली है जो जिसकी तरफ इसने इशारा कर दिया लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो बात जो आपने दिल में रखी वो ना रहे वो खत्म हो जाए तो क्या ऐसी तीन चीजें हो सकती हैं आपके ख्याल में जैसे रिलेशनशिप जो है प्रोलॉन्ग हो जाती है ईद वाले दिन ईद और अंदर लड़ाई नहीं होती हाँ नहीं ईद वाले दिन तो होती है तीन चीजें होंगी ना तो कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होती तो नहीं वो जो कह रहे चार क्यों नहीं पांच चीजें तीन एक एक ही बहुत है वैसे चीज़ एक एक ही है मतलब अगर हमें थोड़ी सी बर्दाश्त बढ़ा ले तो सब चीजें ठीक हो जाती है ना बर्दाश्त एंड्रॉइड फोन अगर आपको बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई हो रही हो तो आप अचानक से कोई कॉल आ जाए मैसेज आ जाए या कोई फेसबुक की वीडियो आ जाए आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए अच्छी तारीफ आ जाए बिल्कुल आप भी इससे लिंक है फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट अच्छा आप भी हैं वो होना ही पड़ता है अब आजकल क्योंकि एक सहूलत हो ही गई है अब जिस तरह में अच्छी भली कास्ट है हमारे प्रोग्राम में ही रांझा में तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया अरे तो वो की इतने बजे रिहर्सल होगी इतने बजे म्यूजिक होगा इतने बजे तो इतना सहूलत हो जाती है उससे कि एवरीवन इज इन्फॉर्म कि जब ये फला अच्छा और वक्त के कुछ इनको ट्रेनिंग ऐसी है के जो नेपा के जो लोग हैं वो वक्त के पाबंदी तुम भी इसका लेकिन वो जो ईद कार्ड का रिवाज जो था ना बड़ा अच्छा था अब तो खैर खत्म हो गई ईद कार्ड की तस्वीरें पर मैं बहुत खरीदती थी मैं आपने खरीदे आशा कभी ईद कार्ड को जो रुपए के मिलते थे कभी आमिर खान खरीदे थे हाशमी भी आमिर खान हो सकता आमिर खान जैसे आमिर खान वाले मुझे लगता है आप मेरे पास तो जब भी दिया बंदर कुत्ता भालू तो आशा आपने वो क्या नाम है आपका नजर आपने जो है वो ईद कार्ड कितने खरीदे जिंदगी मैंने ईद कार्ड खरीदे नहीं बेचे लाइट हाउस से खरीद के लाता था मैं बेचता था एक रुपए वाले से वो माधुरी बनी होती थी है ना छोड़ भी आते थे कार्ड वो छोड़ के बड़े काम आते थे इसके बड़े ये छोले निकाल लेता था विजुअल आर्टिस्ट आल्सो और इसने कुछ मेरे डिजाइन भी किए होंगे ईद कार्ड जी जी और ये फिर प्रिंट एसोसिएटेड था और बस इसको ये शौक हुआ ये सब छोड़ छाड़ के आ गया और कहता सारी कश्तियां जला के आ गया आज भी मुझे पूछ रहा था मैंने कहा यार खाना नहीं खाया तो कहता आज आप खिलाना पर वो वाला नहीं खाना खिलाना कौन सा वाला ये बताएगा बताओ खुशी वाला भाई दौरान पढ़ाई जो है ऐसे साहब जिसको खाना खिलाते हैं उसके ऊपर दोबारा नेपा में आने के पे पाबंदी लग जाती है मुकम्मल तौर पर यानी कि उसे नेपा से निकाल दिया जाता है अच्छा ये हिस्ट्री में हुआ है आखिर में ऐसा चंद एक लोगों के साथ फिर से खा ले चला जाए तेरे बस का नहीं है तो ये सारे तो मैं ये समझा मैंने बोला सर वाला खाना नहीं खिला रहे मैंने कहा नहीं अब तो तू ग्रेजुएट है भाई अब तुझे कैसे मैं कहता हूँ जो पढ़ रहे होते हैं तो छुट्टियां ज्यादा करते हैं भाई आते जो काम दिया नहीं तो मैं कहता अच्छा देखो बात सुनो अच्छा ही हम लोग नहीं है ना पता बताओ पहले दिन निकाले जाते बेसिकली खाना खिलाए जाते पहले दिन दावत होती आपकी पहले दिन दावत होती है मैंने ट्राई किया था इनिशियली मैं आया बाद में था बेसिकली जब मैं मुझे लोग पहचानना शुरू हो गए थे तो अर्शद साहब ने मुझे कहा था कि तुम अगर ये सुन और तुम्हें और लोग पहचानेंगे और मानी आप सीरियल में वही कर रहे हैं जो आप उसको उस वक्त सिखा रहे थे मैंने उसकी वो मुझे मानी किस तरह बोलने के लिए कहा था तुम्हें भाई इन्होंने कहा था कि तहमुल से आराम से पोइट्री पढ़ा था हाँ। और उन्होंने मुझे वो सिखाई थी एक था तीतर एक बटेर लड़ने में ऐसे दोनों शेर लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम ये साफ अगर मैंने कहा मानी तू कह लेगा तू बहुत हालात बेहतर होंगे हालात बेहतर नहीं है वो ये हुआ कि हाँ थोड़ा सा ये हो गया इसके अब्बा से हमारी बड़ी दोस्ती थी तो मैं ये आई अच्छा इसको पता नहीं शायद पता नहीं था तो आई फेल्ट ऑब्लाइज कि यार इसको तो मैं हर कोई बात कह सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो ये इसको अच्छा लगे हाँ, ना लगे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो वो एक थी मेरी तरफ से इसकी तरफ अरे चाचा ना बाबा भाग के
दो रोटी पकड़ ले, कीमा तैयार है। नहीं यार, हाँ खुदा खुशबू बता रही है, खुशबू बता रही है, वो बता रही है कि कीमा जो है ना उसका दम निकल गया, दम का कीमा है। किचन की तरफ जाते हैं, भाभी आप आइए, भाभी आइए, मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे, मैं इधर इनसे बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी ऐसे है, जो बड़ा वाला झूला नहीं होता है, पूछिए आप इनसे इसमें क्या। इसमें मैं आपको रेसिपी, बहुत छोटी रेसिपी थी, आप ट्राई करें कबाब बनाने की, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। पहले बाल जो है टेंशन में, काटे भी तो होते हैं, बहुत खतरनाक। ये कुछ बन रहा है, हां जी चेक करें थोड़ा सा, बिल्कुल जी। या मैं तो अब बोला ना सर, ये वाली टाइम जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है, चखने वाला। वही बात है ना कि आज हमारी सास बताइए, तुमने भी अगली ईद में खाया, हर होस्ट की तरह हूं किया है। अच्छा आओ खाओ, अल्लाह हमको बुराई भी करते हैं, अगली ईद में खाया होस्ट का, अभी इसमें क्रीम ऐड होगी, अभी क्रीम ऐड होगी, है ना। ये कौन सा कबाब है, ये बिकने वाला माशाल्लाह, इसकी शक्ल तो अच्छी है, रियलिस्टिक वैसे। इतने दिन आप लोगों ने क्या किया, सबर किया है, इंतजार किया, कहीं से गोश्त आए। इतने दिन अक्सर लोगों की कोशिश होती है कम से कम किचन में खड़ा रहा जाए, क्योंकि आप गोश्त के उसके हिस्से कर करके कुर्बानी के साथ आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आप चाहते, और इम्पोर्टेंट भी ये होता है कि आप किचन में कुछ ना कुछ बनाएं, क्योंकि बकरा ईद मेरे ख्याल से ऐसी होती है कि जिसमें आप बाहर जाकर डिनर करना मजा नहीं आता जब तक घर में कुछ ना पकते। हाँ बिल्कुल, बकरा ईद बकरा ईद ऐसी होती है, लगता है वो जो लड़कियां जो शादी से पहले बहुत काम, जिनकी अम्मियां आवाज देते कि नौशीन किचन में आ, तो वो जो लड़कियां होती है ना वो शादी के बाद ज्यादा तब जाती है काम। मैं क्यों खुशी से करती हूँ कि शायद मेरी अम्मी ने कभी मुझे, क्योंकि मैं किचन में जाती थी तो कभी चीनी गिरा देती थी, कभी नमक गिरा देती थी, कभी आटा, तो मेरी अम्मी कहती थी अगर तुम किचन में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आपने अच्छी टिप दी है लड़कियों को। और आज मैं इतना किचन में होती हूँ कि मैं लिटरली, मेरे पास पिछले दो हफ्तों से शूट के बाद जाती हूँ मैं झाड़ू पोछा, मासा शादी से पहले लड़कियों से जरा कम काम कराया करें, ताकि शादी के बाद काम करने में उनको उकताहट ना हो। ये मेरी तरफ से एक, और तुमने इतना उसको लिया है कि वो तुम कभी कभी माशाल्लाह, लेकिन करती हूँ दिल से, करती है दिल से करती है। तो आई थिंक क्या कहती है आयशा, मैं सही बात इस बारे में सही है, मुझे ये बात है बिकी नहीं, अच्छा है सुकून से रहे। हाँ अभी चले जाते हैं तो देन यू आर बाउंड टू डू इट। हाँ तो उस वक्त जो है तो फिर यू नो लाइक जैसे मेरी बेटी है माशाल्लाह 19 साल की है, तो अब जब वो अपने के लिए घर आती है तो मैं उससे बहुत कम काम लेती हूँ, बिकॉज मैं कहती हूँ यार अपने माँ बाप के घर कम से कम आराम सुकून से रहे, है ना। ये बात इंशाल्लाह की जब शादी होगी तो उसके बाद तो फिर इवेंचुअली आप काम तो करते ही है। नहीं वो बात आपकी बहसी भी तुम्हारे से एग्री कर रहा था कि अगर आदत ना बनी हुई हो पहले से परेशान हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरी बेगम को तुम्हारी कहानी उसकी वो कहानी नथिंग अबाउट जो पढ़ने पे कर ले, और उसने सारी सीखी मेरे पे। अच्छा और बेहतरीन खाना बनाती है, बेहतरीन खाना बनाती है, लेकिन कभी कभी बनाती है। हाँ, कभी जब वो मेल भाग जाती है, जैसे आज ये सीजन है हमारे बिल्कुल ईद से पहले वो खवातीन जो है भाग जाती है, पता नहीं क्यों है ये मेरे साथ। और हम लोग खुद ही पोछे झाड़ू और बर्तन, और अब तो वॉशिंग मशीन में हमें कपड़े भी धोए। अच्छा हमने उस दिन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, मैंने मानी ने, मैंने पता नहीं क्या बर्तन धो लिए इसने कपड़े, हमने कहा ये कितना आसान थके ना, ये मासियां थोड़ा सा काम करके मतलब काम एक तो फैला भी देती है, पे कहती है कि बहुत थक गए हम। हम तो इस मामले में बड़ा खुश नसीब, मेरी बीवी अनथक है, अनथक औरत, ये वॉशिंग मशीन नहीं कपड़े रखे साबुन वाबुन डाला ऊपर यूं यूं झप्पे मार रही होती है। उनको लूज हुआ है ना, काफी ये तो मैंने ईद के लिए खुद ने सिलवाया है। तो अभी आप कहेंगे प्लेलैंड जाएंगे, मैं अभी इसको लेके आ रहा था गांव मंदिर में, एक आदमी रोक के कह रहा है बाबा इतना बड़ा जानवर नहीं मैं खुद ही बोल दिया, बेगम ने आपने इतनी बुराई की कि उनको पता था यही बोलेंगे। घर चल घर चल, तो आपने ईद के दिन प्लेलैंड की जाते, मुझे समझ नहीं आता झूले पे बैठी है, झूले से उतरी है, झूले से सांस लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। झूला नहीं होता, एक तरफ ये बैठे एक तरफ मैं बैठी झूला ये। अच्छा मुझे एक बार समझ नहीं आती कि जब ईद का दिन होता है तो मोहल्ले में वो जो
सब जो बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं उसकी वजह क्या होती है? आम दिनों में पी सकते हैं बेसिकली, लेकिन वो एक ट्रेंड है। गरीब आदमी तो जब तक पीता है जब तक कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं बोलते, आवाज नहीं आ जाता, छोड़ दे खुदा का वास्ता छोड़ दे। हम लोग तो कटेसी में छोड़ भी देते हैं, ये गरीब लोग। मेरा एक भाई तो छोटा ना, अल्लाह उसको जिंदगी दे, तो बहुत नदीदा टाइप था ना, तो उसकी कोल्ड ड्रिंक हमारी खत्म होती थी, उसकी बढ़ती जाती थी, उससे तुम्हारी ज्यादा होती जाती है, हमारी कम होती जाती है, तो वो उसमें अपना वो भी कुछ उसमें थूक डालना शुरू कर देता। चले कोई बात नहीं, अगर हमने कहा था भाई नया कोला नहीं प्रोडक्ट थूक कोला, हमने कहा था आपको ईद की बात नहीं करेंगे, और अगर बात भी होगी तो कुछ नए अंग से होगी। ये भी लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, देखो अच्छा मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ शो रिकॉर्ड कर, हमको भी नहीं लग रहा है। एक जूस पे एक नर्स खून कैसे ले लेती है मुझे समझ नहीं आता, एक खूबसूरत सी नर्स एक दवा, मुझे खून की जरूरत पड़ गई, ये खड़ा हो गया। अच्छा इसने कहा मैं खून दूंगा, फिर क्या डॉक्टर ने सुई लगाई, बेहोश हो गया, इसको अपने पल्ले से छह बोतलें चढ़ाई डॉक्टर ने, ये होश में आके क्या बोल रहा है, डॉक्टर साहब और चाहिए तो बताओ। लोगों को खून की बोतल लगती, इसको डर हम लगते हैं बाबा। एक बहुत अच्छा किसी ने मुझे लतीफा सुनाया, वो कहता है कि जी एक बंदे से पूछा आप तुम्हारी बेगम का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, तो उसने कहा बी पॉजिटिव, तो मैंने तुम्हें कैसे पता है, कहता है मेरा भी बी पॉजिटिव है, गर्भी है तुम्हारा बी पॉजिटिव उसका भी बी पॉजिटिव, कहता 20 साल से मेरा खून पी रही है वो हो गया होगा। अच्छा वेरी नाइस, बी पॉजिटिव हो गया, 20 10 साल से खून पी रही है तो मेरा मेरा क्या है, मेरा जान के लगा था मैंने 20 साल।